कई जगहों पर जा करके वो लोग देख रहे हैं, एक एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं। शराबबंदी का क्या असर है और कैसे इसका कितना फायदा है, तो इन सब चीजों को देखने और समझने के लिए लोग आए हैं। हमसे भी मिले, वो भी सारी बातों की जानकारी हमने बता दी थी कि सब देखिए, और हमने कहा था कि आपके राज्य में भी हम गए हुए हैं, जैसे ही शराबबंदी लागू हुआ वैसे ही वहाँ के लोगों ने हमको भी आमंत्रित किया और वहाँ गए हुए थे। ये जो अभी मुख्यमंत्री है उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय तो अपने पार्टी के अध्यक्ष थे, तो गांव से भी मिले थे, तो ये सारी बात वहाँ हुई है। तो आते हैं तो अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि सब बहुत पसंद, उसमें एक महिला भी एमएलए थी, बहुत अच्छे ढंग से हमने बता दिया भाई, कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है, 100% तो कभी ठीक नहीं हो सकता। पीछे रखे तो आगे देखेंगे ना भाई, तो स्वभाव ऐसा होता है तो उसको क्या कीजिए, सब थोड़ी लेकिन मैक्सिमम। और जान लीजिए, इस बार भी जो हम पहले भी कह रहे थे ना कि हम लोगों ने 2018 में करवाया था पूरा का पूरा इसके जांच सर्वेक्षण, तो पता चला था कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। तो अभी जो हम फिर दोबारा करवाए, अभी रिपोर्ट आई है कि 1,82,00,000 लोगों ने, 2,00,000 लोगों ने छोड़ दिया। हमने कहा था भी महिला पुरुष सबका पता करिए, इन लोगों ने पता लगाया कि 99% महिला शराबबंदी के पक्ष में है और 92-93% पुरुष हैं। तब इतना जब हुआ है तभी बड़ी चीज है ना, कुछ तो आदमी इधर उधर करेगा, उसके लिए कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुविधा हुई। आप देख रहे हैं ना, अब बाजार में सब चीज कैसे बिक रहा है, लोग पहले का जो भी थोड़ा बहुत पैसा उसी में खर्चा कर देते थे, बहुत शांतिपूर्ण होली बीता, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया। और लेकिन कुछ आदमी तो करेगा ही, सबके साथ भी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हो। ईडी के रेट पे क्या कहेंगे, पटना से लेकर दिल्ली बम्बई हर जगह रेट पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, क्या जो कर रहा है कर रहा, आज जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना। आपका सहयोगी पार्टी जब जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहां पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना, 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हुए, तो 5 साल बीत गया और सब रेड हुआ, अब फिर हम लोगों के एक साथ हो गया तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या कर। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।